परमाशरे संस्थिताम् वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमानाय अधिगम्य महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः अथातः शांति अथ बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि अनेकमन्यपदार्थे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो फलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः स्त्रियः पुंवद्भाषित पुष्कादनं समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणि प्रियादिषु अपूरणि प्रमाण्योः बहुव्रीहो शक्त्यक्षणः स्वाङ्गाच्च द्वित्रिभ्यां स मूर्ध्नः अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः संख्यासु पूर्वस्य उद्विभ्यां काकुदस्य पूर्णाद्विभाषा दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः पुरः प्रवृत्तिभ्यः सोपदादौ। आपका चल रहा है व्यूढ़ो रसक, ये चल रहा है व्यूढ़ो रसक बहुव्रीहि समास है। ये लोकी विग्रह होगा व्यूढ़म उरो यस्य सह व्यूढ़ो रसक, ये बनता है। क्या हुआ लोकी विग्रह बोलो? उरो नहीं उरो, उरस शब्द होता है सकारांत, उरस। उरस मतलब बक्ष, ठीक है जी। जिसका उर मतलब जिसका बक्ष ब्यूढ़ हो, ब्यूढ़ का होता है विशाल, ठीक है, विशाल बक्ष वाले को कहा जाएगा। तो अलौकिक विग्रह क्या होगा मालूम है? ब्यूढ़ासु उरस, उरस सकारांत दंत सकार, ठीक है। किस सूत्र से बहुव्रीहि समास हो रहा है? अनेक अमन्य पदार्थ से सूत्र हो रहा है, ये समास हो रहा है। तो सु का लुक हो गया, रहा कितना? ब्यूढ़ा उरस, ठीक है। ब्यूढ़ा का अ, उरस का उ, संधि हो गया आदगुण से, तो क्या बन गया? ब्यूढ़ो, ब्यूढ़ो रस, कितना रहा? ब्यूढ़ो रस। और ये समासांत हो गया कप, किस सूत्र से? उरह प्रवृत्तिभ्यः कप, इस सूत्र से क्या हुआ? कप कप, हाँ समासांत कप हो गया। कप का क्या रहेगा? क, पकार की संज्ञा क रहेगा, तो कितना रहा? ब्यूढ़ो रस, आगे क्या है? क, इतना आया आप लोगों को समझ में? तो जो सकार है उस सकार को हो जाएगा से रू, सयुषो रूह से रू आदेश हो गया, किसको? सकार को, रेपो हो गया, रेपो ब्यूढ़ो रर, आगे क, ठीक है ना रण। हाँ तो ये जो रू का रेपो है, रेपो को विसर्ग हो जाएगा,
किससे? खरावसनाय और विसर्जन से क्या होगा? विसर्ग हो जाएगा। ठीक है नारायण। और विसर्जन यस्य सह से सत प्राप्त है, क्या प्राप्त है? दंत सकार प्राप्त है, लेकिन संधि प्रकरण में गया कुपोह कपोच, नहीं कुपोह कपोच सूत्र से विसर्ग को क्या प्राप्त है? जिहा मूल्य प्राप्त है, बराबर है। क्या प्राप्त है बोलो? जिहा मूल्य प्राप्त है। ठीक है, उस जिहा मूल्य का अपवाद करता ही सूत्र सो पदादौ, क्या सूत्र? सो पदादौ ये कहता है, विसर्ग को सकार करेगा, क्या करेगा? विसर्ग को सकार करेगा। अब पर में क्या चाहिए? पास कल्प क और काम्य, कितने हुए? चार हो गए। ये सब प्रत्यय होते हैं, आठ तीन अड़तीस, आठ तीन अड़तीस है ये। सूत्र नंबर क्या है? नहीं सूत्र नंबर बोलो, आठ तीन अड़तीस, आठ तीन अड़तीस है नारायण। तो इसलिए यहाँ पर वार्तिक इसके ऊपर आया, आप लोग बता दिया पास कल्प क काम्येषु इति वाच्यम, ये वार्तिक होता है। पाशप प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय? पाशप, पकारांत पाशप, याप्य पाशप, इसे पाशप होता है। जैसे पयस पाशम, ऐसा होता है पयस पाशम। इसी प्रकार कल्प प्रत्यय होता है कल्प, ईषद समाप्त कल्प देशीय देशीय रह, ईषद थोड़ा अर्थ में, थोड़ा अर्थ में कल्प प्रत्यय होता है। हाँ ठीक है ना, जैसे यशस कल्पम, थोड़ा सा यश, पूरा यश नहीं है, थोड़ा सा कम है ना, तो एक कल्प लिख लो, बताता हूँ। पयस पाशम, पयस पाशम, लिख दिया है? ये पाशप प्रत्यय हुआ। यशस कल्पम, यशस कल्पम, दंत सकार है, यशस कल्पम, दो हो गया। उसके बाद यशस कम, यशस कम, यशस कम, यशस में दंत सकार अंतिम में है। ये क प्रत्यय हुआ, कौन प्रत्यय? क, कल्प आगे होता है, कल्प होता है, क्या होता है? ये कहाँ कह दिया, काम्यच, काम्यच, ये तीन तो हो गया ना, काम्यच, काम्यच एक प्रत्यय होता है। यशस काम्यति, क्या बनेगा? यशस काम्यति, लिखो काम्यति, हाँ काम्यति हो गया। कितना प्रत्यय हुए? ये सब प्रत्यय है, प्रत्यय होने से ये पद के आदि में तो होंगे नहीं, पद के आदि में तो नहीं है, पद प्रत्यय तो कोई पद होगा नहीं, इसलिए जो है पाशस का पकार, कल्पव का ककार, को का ककार, काम्य का ककार, ये पद के आदि में तो है ही नहीं, है कि नहीं? तो ऐसा ये चार प्रत्यय हो गए, चार प्रत्यय परे रहते पूर्व विसर्गो क्या करेगा? सकार करेगा। सूत्र समझ में आया क्या? चार प्रत्यय आगे रहते विसर्ग को सकार करेगा, किसी पद के आदि में न हो, कौन? चार प्रत्यय पास कल्प क और काम्य परे रहते पूर्व विसर्ग को क्या हो? दंत सकार हो। तो सूत्र में विधि कौन है? सकार, दंत सकार। स्थानी क्या है? विसर्ग। स्थानी क्या है? विसर्ग। विसर्ग को दंत सकार न कर रहा है, ठीक है। पास प्रत्यय पर रहते क्या प्राप्त है? उपद मानिय, पवर्ग पर रहते विसर्ग को क्या प्राप्त होता है? उपद मानिय, क्या है? उपद मानिय। पास का पकार, कल्प का ककार, को का ककार, काम्य का ककार,
ये परे रहते विसर्ग को क्या प्राप्त है, जिया मूल्य प्राप्त है, उसका अपवाद कर दिया। कप प्रत्यय है कि नहीं अभी, कप का क, कप का यहाँ पर क है ना, इसलिए विसर्गों को क्या नहीं होगा, जिया मूल्य यहाँ पर नहीं होगा, तो विसर्गों को क्या होगा, सकार हो जाएगा। आय संजमा भी हाँ ऐसा ले लो, हो गया। अच्छा इसके ऊपर एक सूत्र आया, कस्काय दिशुच, कस्काय दिशुच, सूत्र में दो पद है, कस्का दिशो सप्तमी का बहुवचन, चव्य हो गया, च हो गया अव्यय। देखो क्या बोलते हैं, येषु इणः उत्तरस्य विसर्गस्य सः, अन्यस्य तु सः। देखो बोलो फिर एक बार, येषु इण उत्तर नहीं, इणः उत्तरस्य, इणः उत्तरस्य बोलो, येषु इणः उत्तरस्य विसर्गस्य अन्यस्य तु सः। मतलब येषु कहने से कस्कादि गण में, ये कस्कादि गण है, कस्कादि क्या है, गण, ये गण में सूत्र लग रहा है, ठीक है ना, कस्कादि गण में इणः उत्तरस्य, इण प्रत्याहार का वर्ण से उत्तर में, इण प्रत्याहार कौन, ई से कहाँ तक जाएगा, लण तक जाएगा, इण प्रत्याहार के वर्ण से उत्तर में विसर्ग को क्या करेगा, सकार, कौन सकार, ऐत वर्धन सकार, कौन सकार, हाँ ठीक है। अन्यस्य तु सः, यदि अन्य कहने से ईण ना हो, क्या ना हो, ईण ना हो पर तो क्या होगा, दंत सकार हो जाएगा, ये बोलते हैं यहाँ पर, जैसे क्या कह दिया, ब्यूढ़ो रसक, क्या कह दिया, ब्यूढ़ो रसक, हाँ ब्यूढ़ो रसक, जैसे यहाँ पर एक मिनट, क्या नंबर है इसका, 48 नंबर है, हाँ 48 नंबर है, जैसे कांस कान होता है ना, कांस कान है वो कस्कादिकण है, है ना, हाँ वहाँ पर कांस कान जो है वहाँ पर ईण नहीं ना है, ईण ईण, जैसे कसकह भी होता है, क्या बनता है, कसकह, जैसे लिखो कसकह, कस आगे कह हो गया, कस आगे, हाँ कसकह, तो यहाँ पर देखो कसकादि कण है ना, ये क का अकार है, ईण है क्या, नहीं, इण से पर में नहीं है, तो विसर्ग क्या करेगा, सकार, दंत सकार, हाँ इण यदि हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार, सुनते हो ना, हाँ जैसे कह दिया है बीढ़ो रस का, है ना, हाँ ये सकार के पूर्व में क्या है, सकार के ओ है, बीढ़ो रस का है ना, हाँ तो ईण में आया क्या, नहीं आया, इसलिए यहाँ पर विसर्ग को मूर्धन्य होगा, हाँ दंत होगा, क्या होगा, दंत हो जाएगा, ऐसा लगाओ, ठीक है, ऐसा समझ लो, जैसे देखो यजुष पात्रम, लिखो यजुष पात्रम, यजुष पात्रम, आगे दिया तो आगे भी देगा, यजुष पात्रम लिखा आपने जी, क्या लिखा, जजुष पात्रम, जजुष पात्रम जो है जजुष है विसर्ग था, सकार को रू होकर विसर्ग हो गया, जजुहु लिखो, जजुहु आगे क्या है, पात्रम, लिखा है भाई, क्या लिखा, जजुहु पात्रम, आगे देखो विसर्ग के पूर्व में क्या बनना है, उकार, ईण में आया आगे है कि नहीं, विसर्ग को क्या करेगा, वर्धन कर देगा, हाँ हो जाएगा,
जजिस पात्रम, क्या नहीं होगा? वो तो है लेकिन क्या प्राप्त था? उपद मानिय प्राप्त था। क्या क्या प्राप्त था? उपद मानिय नहीं होगा, समझ में आया? ये बोलते हैं। तो यहाँ पर बीड़ो रस्क में क्या होगा बोलो? दंत्य सकारी होगा, क्या नहीं होगा? हो गया। अच्छा आगे देखो, इणहा सह, कस्कादि गण में, सूत्र का ये अर्थ है लिखो, कस्कादि गण में ईण वर्ण से उत्तर विसर्ग को, ईण वर्ण से उत्तर विसर्ग को मूर्धन्य सकार हो, मूर्धन्य सकार हो, ईण न होने से, ईण न होने से, न होने से विसर्ग को दंत सकार होगा, क्या होगा? दंत सकार होगा। जैसे क्या हुआ, भीड़ो रस को, जैसे भीड़ो रस को, भीड़ो रस का में क्या हुआ? क्यों? उसके पूर्व विसर्ग के पूर्व में क्या नहीं है? ईण नहीं ना है। आ गया, ठीक है नारायण, चलो हो गया राजू, समझ में आया? आगे देखिए, अगले अगले सूत्र के वृत्ति में देख लो, प्रिय सर्पिश कह, प्रिय सर्पिश कह, देखो किसी को घी अच्छा लगता है कि नहीं? बिना घी से रोटी नहीं खाते हैं कोई कोई, है कि नहीं? हाँ, इसलिए बोलते हैं प्रियम सर्प ही यस्य, बोलो बोलो ठीक से, मतलब जिसको सर्पी, सर्पी मतलब कौन? घृत, घी, घी, देसी घी, डालडा वाला नहीं, जिसको घी प्रिय हो, सर्पी ही यस्य, हो गया। अलौकिक विग्रह बोलो, प्रियसु सर्पिस, सर्पिस होता है, क्या है? सर्पिस, सर्पिस, सर्पिस आगे सु, ये होता है प्रियसु सर्पिस सु, हो गया। हैं, देखो क प्रत्यय हो जाएगा किस सूत्र से? वही पुरह प्रवृत्तिभ्य कप, पुरह शादी गण में आएगा इस सर्पिस, हैं जी, इसलिए क्या प्रत्यय हो गया? कप, कप का क्या रहा? क रहा, कितना रहा? प्रिय सर्पिस आगे क, दंत सकार है, प्रिय सर्पिस, सर्पिस क, हाँ क है ना जी। एक मिनट, इसको विनाश है ना, क्या नंबर है इसका? 39 है, ठीक है ठीक है। क प्रत्यय हुआ है, क प्रत्यय हुआ है, ठीक है। पूरा प्रवृत्ति कप से क्या हो गया? कप प्रत्यय हो गया, कप प्रत्यय जब हो जाएगा कितना है? प्रिय सर्पिस आगे क, सकार को रू हो गया, सकार को रू हो गया, रू के रेप को विसर्ग, ठीक है। प्रिय सर्पी ही आगे क, सुनते हो? क, विसर्ग को क्या प्राप्त है भाई? जी हाँ मूल्य, ठीक है। किस सूत्र से? कुपोह कपोच सूत्र से जी हाँ मूल्य प्राप्त है, बराबर है। और ये सूत्र क्या किया? सो पदा दो विसर्ग को क्या? सकार प्राप्त है, लिखो, विसर्ग को क्या प्राप्त है? सकार प्राप्त है, क्या प्राप्त है? सकार प्राप्त है, समझ में आ रहा है? जी। और ये सूत्र क्या बोलता है? देखो, इणहा सह,
गिणाहा सह आठ तीन उनतालीस बोल दिया। इणहा उत्तरस्य विसर्गस्य बोलो उत्तरस्य विसर्गस्य सह सह पाश कल्प क काम्येषु परेषु पाश कल्प क काम्येषु परेषु और तो लिख लो इण इण प्रत्याहार के वर्ण से उत्तर विसर्ग को इण प्रत्याहार के वर्ण से उत्तर वर्ण से परे भी कह सकते हो इण प्रत्याहार के वर्ण से परे विसर्ग को विसर्ग को सकार आदेश हो मूर्धन्य सकार मूर्धन्य सकार आदेश हो पाश कल्प क और काम्य प्रत्यय परे रहते पाश कल्प क और काम्य प्रत्यय परे रहते एक है ना जी। इसका संबंध कौशकादि गण से नहीं है तो कौशकादि गण तो आगे बता दिया ना वो तो 48 है ठीक है तो क्या कर देगा मूर्धन्य करेगा जैसे उदाहरण देख लो प्रिय सर्पिस आगे क्या है प्रिय सर्पिस क प्रत्यय है आगे जी है। क है और सर्पिस में जो विसर्ग है सर्पी ही विसर्ग से पूर्व में क्या बनना है पूर्व में इकार है ना इण में आ गया इसलिए विसर्ग को क्या होगा बोलो मूर्धन्य सकार हो जाएगा ये सीधा बोलता है ठीक है हो गया ना। और सो पदा दो कहाँ लगेगा जहां पर ईण नहीं है वहां पर लगेगा क्या सो पदा दो कहाँ लगेगा विसर्गो को सकार बोलते ना नहीं सो पदा दो जहां पर ईण वर्ण न हो पूर्व में वहां पर लगेगा आगे चलो हो गया भाई हाँ इसलिए प्रिय सर्पि ही विसर्ग को क्या हो गया मूर्धन्य सकार हो गया तो क्या बनेगा प्रिय सर्पिश का ये बन जाएगा ठीक है आया समझ में चलो आगे उसके बाद दो सूत्र देखो निष्ठा एक ही पद है निष्ठा प्रथम का एक वचन ये क्यों आया देखो वृत्ति में युक्ता योगः युक्ता योगः युक्ता योगः टिप्पणी में दे दिया है युक्तो योगो येना युक्तो योगो येना येना सह युक्त योगः मतलब युक्त हुआ योग जिससे युक्त हुआ योग जिससे युक्त हुआ मतलब योग जिसके द्वारा किया गया युक्त मतलब किया गया है कि नहीं संपादन किया गया योग संपादन किया गया जिसके द्वारा आसन में है ना अलौकिक विग्रह बोलो युक्तसु योगसु युक्तसु योगसु ठीक है इतना हुआ ना अच्छा लेकिन पूर्व में कौन होगा ये तो नहीं है दोनों में से कोई भी हो सकता है हैं देखो यहाँ पर विशेषण कौन है बोले क्या यहाँ पर योगा युक्त का है ना एक मिनट रुको यहाँ पर जो है युक्त जो है ना सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहि हाँ सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहि यहाँ पर जो है एक मिनट रुको निष्ठा है ना तो निष्ठांतम बहुव्रीहि पूर्वम से युक्त योग यहाँ पर विशेषण कौन है एक मिनट निष्ठा है
निष्ठा है ना, दो दो। तो इस सूत्र का प्रारंभ क्यों किया गया, इसलिए थोड़ा देखना है। देखो निष्ठा दो सुबासी, एक सुबासी, मिल गया, एक निष्ठा हुआ, देख रहा हूँ। विशेषण दोनों में से कोई भी हो सकता है क्या? कोई भी हो सकता। विशेषण दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा लिखो यहाँ पर। विशेषण दोनों में से कोई भी हो सकता है ना? ऐच्छिक हुआ, क्या हुआ? दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी विशेषण हो सकता है, ठीक है ना जी। दोनों क्रियावाचक होने से, क्या? दोनों क्रियावाचक होने से, ऐसा लिखो। दोनों क्रियावाचक होने से, है ना? इसलिए विशेषण ऐच्छिक हुआ, होने से विशेषण ऐच्छिक हुआ, है ना? इसलिए पूर्व निपात किसका होगा यह निश्चय नहीं हुआ। पूर्व निपात किसका होगा यह निश्चय नहीं हुआ, ऐसा निश्चय नहीं हुआ। सुनते हो ना जी? किसका होगा ऐसा निश्चय नहीं हुआ, इसलिए इस सूत्र की, इस सूत्र का आरंभ हुआ, इसलिए इस सूत्र का आरंभ हुआ, नहीं हुआ इसलिए सूत्र का आरंभ हुआ, ऐसा समझ लो, ठीक है जी। क्योंकि पहले सूत्र गया ना, सप्तमी विशेषण बहुप्रयोग, दोनों में से जो विशेषण होगा उसका क्या होता है? पूर्व निपात होता है, बराबर है? हाँ, ऐसा आया, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा लगा और क्या। जैसे मान लीजिए प्राप्तम उदकम, हाँ प्राप्तो उदक है कि नहीं, पीताम्बर, देखो पीताम्बर विशेषण कौन है? पीत, वो पहले हुआ कि नहीं? पूर्व निपात है कि नहीं? जो विशेषण होता है उसका पूर्व निपात होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्रियावाचक है ना? ठीक, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लिखो। कृतम कृत्यम ये न, कृतम कृत्यम ये न, कृतम कृत्यम ये न, कृत्य मतलब कार्य है, सुनो क्या सुना आपने? कृतम कृत्यम ये न सह कृतकृत्य होता है कि नहीं? सह कृतकृत्य है, यहाँ पर भी ऐच्छिक हुआ, विशेषण किसी को भी कह सकते हो नहीं जी। तो जो विशेषण होगा वो पूर्व में होगा, इसलिए दोनों प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? कृत को विशेषण करेंगे तो कृत पहले होगा, और कृत्यम को विशेषण करेंगे तो कृत्यम पहले होगा, नहीं होगा? इसलिए निश्चय नहीं हुआ। तभी सूत्रकार कहते हैं निष्ठा, निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। बोलो निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। तो देख लो, निष्ठा जानते हो क्या है? निष्ठा, निष्ठा, हाँ तक तब तो निष्ठा, एक होता है प्रत्यक्त ककार त सक्त, और एक होता है प्रत्यक तब तु, जानते हैं हम लोग जी, जी। दो प्रत्यय, इसको कहते हैं निष्ठा व्याकरण में, तक तब तु निष्ठा, और प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, निष्ठा से क्या लेंगे? निष्ठा प्रत्यंत, मतलब निष्ठा संज्ञक प्रत्यंत है ना, ये निष्ठांतम का अर्थ हुआ, उसका पहले होगा पूर्वम से बहुव्री हो। अर्थ क्या हुआ देखो, बहुव्री समास में निष्ठा प्रत्यंत सुबंत का पूर्व निपात हो,
निष्ठा संज्ञक प्रत्यंत सुबंत का निष्ठा संज्ञक प्रत्यंत प्रत्ययांत सुबंत का पूर्व निपात हो कहाँ पर बहुवरी समास में बहुवरी समास में ठीक है समझ में आ गया जी। पक्का चलो फिर पूर्ण जैसे युक्त योग क्या है युक्त योग युक्त हो गया निष्ठा प्रत्यंत त प्रत्यंत है जुज धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा युक्त निष्ठा प्रत्यंत हो गया युक्त युक्त हो गया ठीक है इसलिए उसका पूर्व निपात हो जाएगा युक्त योग हो गया योग युक्त होगा युक्त योग जहाँ पर योग युक्त होगा ना वो बहुवरी समास नहीं होगा योगे ना युक्त होगा वह तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा आगे समझ में ठीक है इसी प्रकार कृतकृत्यम होगा कि कृत्यम कृत होगा हाँ कृतकृत्य होता है कृत्य कृत नहीं होगा हाँ सुनते हो ऐसा है जैसे अधिता व्याकरण काव्य कोश आया तर्क संग्रह में अधिता पहले हो गया अधिता व्याकरण काव्य कोश ये ना सुनते हो ना ऐसा हो जाएगा ठीक है ठीक है ना ऐसा चलो जिसका चित्त संस्कृत हो संस्कृतम चित्तम येन अथवा यस्य सह संस्कृत चित्त नहीं बनेगा संस्कृत चित्त मतलब जिसका चित्त संस्कृत हो संस्कार से युक्त हो आ गया कि नहीं समझ में आया चलो तो युक्त योग आगे देखो थोड़ा सा एक सूत्र शेषाद विभाषा शेषाद विभाषा शेषाद विभाषा दो पदे शेषाद विभाषा शेषाद पंचमी का एक वचन विभाषा प्रथमा एक वचन ये कब प्रत्यय होता है समासांत अनुक्त समासांतात बहु प्रिय है कप वा पढ़ो शेष कहते ना सूत्र में शेष का मतलब जहाँ पर समासांत नहीं किया गया हो बहुव्रीहि समास में कोई समासांत न किया गया हो ठीक है तब जाकर के क्या करेगा कप पकार को बकार हो गया संधि देखो कप बा पकार को बकार कैसे हो कैसे हो जलाम जस बनते जस करने पर पकार को क्या होगा ब नहीं होगा इसलिए कप आगे वा ठीक है कौन सा समास अंत हो रहा है कप विकल्प से किस समास में और क्या ना हुआ हो कोई भी समास अंत अभी ना हुआ हो तो ये बोलते हैं जैसे महायशस कह क्या है है ना विग्रह क्या होगा मालूम है साधन और टिप्पणी दिया है महत यशो यस्य सह महायशस कह बोलो महत यशो महायशस कह ये लौकिक विग्रह हुआ अलौकिक क्या होगा मालूम है महत सु महत महत महत्सु और यशस्सु ये हो जाएगा महत्सु यशस्सु महत का तकार है आगे यशस है ठीक है किस सूत्र समास हो रहा है अनेक मन्य पदार्थ से और क्या है ठीक है देखो पूर्व निपात किसका होगा महत का होगा कि यशस का होगा क्यों विशेषण होने से क्या होने से कि कौन सूत्र बोला सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि
कहता है यशस का विशेषण कौन है, महत, मतलब जिसका यश महान बहुत बड़ा हो, यश, ठीक है। तकार को आ कहाँ से हुआ, देखो एक सूत्र गया था तत्पुरुष में, आन महत समानाधिकरण जाति है, यह क्या सूत्र बोलो, आन महत समानाधिकरण जाति है, महत के तकार को क्या करता आ, पर में उत्तर पद हो कौन सा, समानाधिकरण उत्तर पद हो, समानाधिकरण उत्तर पद कौन है, यशस है कि नहीं, महत का समानाधिकरण उत्तर पद कौन हो गया, यशस, इसलिए महत के तकार को आ कर देगा, आकार कर देगा, तकार को आकार कर दिया, और मह के अ है, अ समान दीर्घ से क्या हो गया आ, महा हो गया, महायशस, कितना हुआ महायशस। अभी कोई समासांत हुआ अभी तक नहीं हुआ है, अब समासांत क्या करेगा, कप हो जाएगा, महायशस के बाद कप, कप का क तो है ना, तो क्या बन जाएगा महायशस क, सकार को बोलो, दंत सकार को क्या हुआ रू, सो रु, रेफो, रेफो को विसर्ग, विसर्जनीय से सह है कि नहीं, अब विसर्ग को क्या प्राप्त है बोलो, जीवा मूल्य प्राप्त है, होगा है, क्यों नहीं हुआ, क्या समझ में आया, सो पदादो से विसर्ग को क्या हुआ फिर, सकारी होगा, क्या नहीं होगा, जीवा मूल्य नहीं होगा, क्या सूत्र, क्या बोल रहे हो, सोह के सु, सो इले महायशस कह, इसी प्रकार से महायशा बोलो, महायशा जब अच्छा नहीं होगा कप प्रत्यय, क्या कप प्रत्यय नहीं होगा तो कितना रहेगा, महायशस, प्रातिपदी क्या होगा, महायशस, दंत सकार है, क्या सकार, आगे सु आ जाएगा, क्या तो कैसे बन गया महायशाह, कैसे बन गया, आन मत कहाँ है, हा में तो हो गया आन मत, उसके बाद नहीं, प्रातिपदिक क्या है महायशस, महायशस के बाद बोलो सु, लिखो ना, हलंग पुलिंग में नहीं गया, आप लोग भूल जाएंगे तो कैसे होगा, हलंग पुलिंग में हो गया ना महायशस, महायशस के बाद क्या है सु, अत्व संतस्य चा धातु, उससे उपधा को दीर्घ होगा, महायशस है, स के पूर्व में क्या है बोलो, अकार है ना, अकार को दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया महायशास, आगे सकार, सु का सकार, सु के सकार का लोप हो गया, और सकार को विसर्ग, क्या बन गया महायशा, आ गया कि नहीं, हो गया ना भाई, उपदा को दीर्घ होगा ना, क्या बन जाएगा महायशा। इसी प्रकार से जिसका जिसकी उम्र कम है उसको क्या बोलते हो, अल्प वयस्क नहीं बोलते हैं, अल्प वयस्क हो क्या, कैसे बनेगा अल्प वय वयो यस्य नहीं होगा, वयस होता है ना, नपुंसक होता है क्या, अल्प वयस जो है ना, हाँ नपुंसक, अल्पम, अल्पम वयो यस्य, अल्पम वयो यस्य, सह अल्प वयस्क बनेगा, हैं बन जाएगा अल्पम वयो, जिसकी आयु कम है उसको क्या बोलते हैं, अल्प वयस्क नहीं बोलते हैं, ये प्रसिद्ध ही शब्द, अल्प वयस्क, हाँ जो क नहीं होगा तो क्या बनेगा अल्प वया, अल्प वया लिख देंगे तो लोग बोलेंगे गलत, अल्प वयस्क प्राय करके प्रसिद्ध है, लेकिन विकल्प से होता है कप प्रत्यय, अल्प वया बनेगा ना, अल्प वया है, जैसे महायश, इसी प्रकार तुल्य वयस्क, तुल्य वयस्क होगा ना, तुल्य वयस्क, इसका इसकी आयु जो है इसके समान है,
तुल्य वयस्क, ये व्यक्ति तुल्य वयस्क, अयम तव तुल्य वयस्क, अयम देवदत्त अथवा अयम सखा तुल्य वयस्क तव, तुम्हारा ये तुल्य वयस्क है, तुम्हारी उम्र का है, नहीं बोलते हैं, हो गया। महादेव कैसे बनेगा, विग्रह बताओ, महादेव महान चासौ देव, हो गया, क्या बनेगा, महान चासौ देव है ना, क्या होगा विग्रह बताओ, महत्सु देवसु, महत के तकार को क्या बन गया, तकार को आ हो गया, क्या सूत्र है बोलो, आए? आन महत समानाधिकरण जातीय हो, अनेक मन्य पदार्थ का नंबर लिख बताओ तो, उसका नंबर बताओ हमको, दो दो चौबीस, हाँ ये अनेक मन्य पदार्थ है, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है भैया, है ना, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, और एक सूत्र आप लोग लिखो, बताता हूँ आप लोगों को, उसको जरूर याद रखना, लघु में नहीं है, तेना सहेति तुल्य योगे, तेना सहेति तुल्य योगे, लिख दिया नारायण जी, तेना सहेति तुल्य योगे, बोलो, तेना सहेति तुल्य योगे, नंबर लिख लो, 28 नंबर, दो दो 28, एक दो तीन चार पांच, पांच सूत्र करते हैं बहुव्रीहि समास, लेकिन इनमें जो दो सूत्र है मुख्य, एक तो अन्य अनेक मन्य पदार्थ से अधिक ज्यादा महत्व है इसका प्राय लगता ही है, और 28 नंबर अभी जो बताया ना, तेना सहित तुल्य योग, ये अंतिम सूत्र है बहुव्रीहि का, लोगों में नहीं दिया है, लोगों में नहीं दिया, लेकिन है तो बड़ा महत्व का है, लिख दिया आपने जी, हाँ क्या फिर एक बार बोलो, तेना सहेति तुल्य योगे, हाँ इसका अर्थ है, मतलब तुल्य योग में, क्या है, तुल्य योग में हाँ, वर्तमान जो सुबंत है, वर्तमान जो सुबंत है, वर्तमान सुबंत तृतीयांत सुबंत के साथ, तृतीयांत सुबंत के साथ बहुव्रीहि समास हो, बहुव्रीहि समास हो, है ना जी, देखो बताते कैसे, कहते हैं कि देखो, पुत्रण सह आगत, लिखो लिखो भाई, पुत्रण सह आगत इति स पुत्र, क्या होगा, लिखा आपने, पुत्रण सह आगत इति स पुत्र, स पुत्र, स स दो शब्द बनेगा, सपुत्र सह पुत्र, सुनते हो क्या, सपुत्र सह तो अव्यय है, सह है लिखो, सह आगे पुत्र टा के साथ समास हो रहा है, सह का समास किसके साथ हो रहा है, पुत्र टा के साथ हो रहा है, तृतीयांत कौन हो गया, पुत्र टा, उसके साथ किसका समास हो रहा है, सह का, साथ साथ आ रहा है ना, ये तुल्य योग में हुआ ना, पिता भी आ रहे हैं और उसके उसका बेटा भी आ रहा है, हाँ इले पिताजी आए है कि नहीं, तो जो है देवदत्त सपुत्र आगच्छति, मतलब क्या हुआ, देवदत्त सपुत्र आगच्छति, मतलब पुत्र के साथ आ रहा है, क्या वाक्य हुआ बोलो, देवदत्त सह ना बोलो, सपुत्र, सपुत्र हो जाएगा ना, हाँ क्या शब्द बनेगा, सपुत्र कैसे बनेगा बताऊंगा आपको, है ना, शब्द क्या बना, सपुत्र, तो
तो समास कैसे हो रहा है? सह पुत्र टा, सह अव्यय हो गया, आगे क्या है? पुत्र टा, और टा का लुक हो गया है, तो कितना रहा? सह आगे पुत्र, सह को स आदेश हो जाता है विकल्प से है। देखो बताता हूँ, बोप सर्जनस्य वा, लिखो बोप सर्जनस्य, सूत्र है बोप सर्जनस्य, क्या लिखा? वोप वोप वा उप वोप वोप सर्जनस्य, वा उपसर्जनस्य, इस सूत्र से सह को स आदेश होता है, किसको? सह को स आदेश विकल्प से, सह चला जाएगा स रहेगा, स बैठ जाएगा, आदेश विकल्प से, आ समझ में ना, मतलब विकल्प से होगा तो क्या होगा, सह भी रहेगा स भी होगा, दो दो शब्द बन जाएंगे, स आदेश करेंगे तो क्या बनेगा? सपुत्र, आ नहीं होगा तो सह पुत्र, सुनते हो भाई, ये बड़ा महत्व का है, ठीक है, बहुत जगह पर आता ही है, ठीक है, ये दो सूत्र जरूर आप लोग याद रखिएगा, एक होगा अन्य अनेकमन्य पदार्थ से, और दूसरा और ये तेना सहेति तुल्य योगे, हो गया जी। दो शब्द क्या क्या हुआ बोलो? सपुत्र और सह पुत्र, ठीक है, हाँ, गुरु हो स शिष्य आगच्छति, बोलो गुरु स शिष्य आगच्छति, बोलो गुरुजी शिष्य के साथ आ रहे हैं, क्या गुरुजी किसके साथ आ रहे हैं? हाँ, गुरु का विशेषण क्या हो गया? स शिष्य, शिष्येण सह आगत इति इति स शिष्य, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ऐसा होता है। इति बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास हो गया। उसके बाद क्या होता है? अथ दंदः, ये दंद समास है भी। जैसे चार्थे द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः, दंद समास है, दंद समास है, कितने समास हुए अभी तक बोलो? अविभाव तत्पुरुष और क्या है? बहुव्रीहि, उसका भी भेद हुआ, तत्पुरुष का भी, कर्मधारय और द्विगु हो गया, और उससे पहले केवल समास, हाँ आ गया समझ में। अब क्या समास आ रहा है? द्वंद समास, ये बड़ा प्रसिद्ध है, चार्थे द्वंद, चार्थ बोला, चस्य अर्थ इति चार्थ है ना, चस्य अर्थ इति चार्थ बोला, च का अर्थ इति चार्थ, चार्थ च शब्द का अर्थ, मतलब अब बताएंगे च शब्द का अर्थ, च शब्द के अर्थ में क्या समास होगा? दंद, दंद समास होगा, दंद समास में कौन पदार्थ प्रधान होता है? उभय पदार्थ, उभय पदार्थ प्रधान हो दंद, ठीक है, देखो अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमान बा समस्यते स दंद, पढ़ो अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमान, मतलब अनेक सुबंत, अनेक कहने से दो है कि तीन, कितने भी हो कोई मतलब है, एक से ज्यादा, न एकम इति अनेकम, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कहने से कितना होगा? कितना होगा? दो होगा कि तीन होगा? कितने भी हो सकता है, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, है कि नहीं? ये अनेक सुबंतम जो समास होगा, किस अर्थ में? चार थे, चौ का अर्थ, चौ के चार अर्थ बताएंगे, है ना, जो समास होगा विकल्प से होगा, क्या होगा? समास होगा विकल्प, हाँ, लेकिन समास का नाम क्या होगा? दंद, दंद समास हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा बोल रहे हैं।
जैसे आगे कहेंगे, जैसे कह दिया धव खदिरो चिंदी, धवश्च खदिरश्च इति, धव खदिरो ही बन जाएगा, धव खदिरा भी हो जाएगा, मतलब समास होगा भी नहीं भी होगा, मतलब वाक्य होगा, समास होने पर तो एक ही पद हो जाएगा धव खदिरो, और नहीं होगा तो धवश्च खदिरश्च, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? चलो इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम नृत्तः वसाने नटराज राजो नमः।